हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन लोग देखने वाले हैं कि जो फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस है या बच्चेदानी की जो गांठ है उसको ठीक करने में आप मेडिसिन तो लेते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, आप गायनिक से मिलते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन साथ में यदि आप ये जो फूड बताने वाला हूँ इनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको जो है आपका जो फाइब्रॉइड है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो फूड होते हैं इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नेचुरली बॉडी में जाकर आपकी जो ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है उसको कम करते हैं, क्योंकि जो फाइब्रॉइड है उसका मुख्य कारण होता है ज़्यादा ईस्ट्रोजन का बॉडी में बनना। महिलाओं में जब ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन बनता है तो उनको फाइब्रॉइड हो जाता है। ठीक, तो ज़्यादा ईस्ट्रोजन बन रहा है, यदि हम ईस्ट्रोजन की मात्रा कम करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका फाइब्रॉइड भी ठीक हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेना चाहिए या ऐड कर लेना चाहिए? पहला आपको लेना चाहिए लहसुन। जो लहसुन होता है इसकी 8 से 10 कली, 8 से 10 कली जो सिंगल सिंगल होती हैं, 8 से 10 कली रोज़ाना ले लीजिए आप। ठीक, सब्जी में, दाल में जो ले रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन आपको एकदम फ्रेश 8 से 10 कली लेनी है जो आपकी बॉडी में जाएगी और ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट देगी जो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा प्याज, आपको प्याज सब्जी और दाल में लेना है, इसके अलावा सलाद में भी आपको प्याज लेना चाहिए, जो भी जो आपको हेल्प करता है ईस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज़ करने में। इसके अलावा बात करेंगे जो टमाटर होता है, टमाटर भी आपको लेना है, सलाद के रूप में ले लीजिए, सलाद में ले लीजिए, आप सब्जी में ले लीजिए। ठीक, सलाद में आप दोनों टाइम ले लीजिए, एक टमाटर सुबह एक टमाटर शाम को। उसमें भी ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं जो ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करने में बहुत लाभदायक इफ़ेक्ट दिखाते हैं और आपके जो फाइब्रॉइड इसके साइज़ को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बताने वाला हूँ ये समझ लीजिए कि एंटी स्टेरॉयडल या एंटी ईस्ट्रोजन जो है इफ़ेक्ट करने वाला फूड है वो है फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रॉकली। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रॉकली, यदि इसको आप अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, अधिक मात्रा में इसे यूज़ करते हैं तो ये तो जस्ट ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट इफ़ेक्ट दिखाता है। मतलब ऐसे इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करते हैं, ईस्ट्रोजन को ठीक, मतलब ईस्ट्रोजन के लेवल को डाउन करने में, नॉर्मल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये समझ लीजिए कि लाइक मेडिसिन काम करते हैं, इसलिए आप फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रॉकली को सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में या डेली जूस के फॉर्म में भी बढ़िया उबाल के जूस बनाकर भी आप इसको ले सकते हैं। रोज़ाना लेंगे कम से कम इन सब चीज़ों को आपको 3 से 4 महीने करना पड़ेगा, तभी आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। कई बार बिना दवाई लिए भी यदि आप मेरे इन सभी फूड मटेरियल को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपको बिल्कुल गजब का रिजल्ट दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका फाइब्रॉइड कब निकल गया है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ आपको करनी चाहिए, ये सब चीज़ आप करेंगे तो बहुत अधिक फ़ायदा आपको मिलेगा। और एक विशेष नोट ये है कि जो आपको बताया फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड ब्रोकली, जिनको थायराइड है और साथ में फाइब्रॉइड है उनको ये फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और जिसको थायराइड नहीं है उनको फाइब्रॉइड है तो वो तो फ्रीली ले सकते हैं, रोज़ाना 1 गिलास जूस पी सकते हैं, सलाद के रूप में ले सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहे। नमस्कार।